वेल वेल वेल, इसको देख के आपको यही लग रहा होगा कि कॉमन से पकोड़े बनाए हैं, लेकिन आज बनाते हैं सूखे, लाइक अभी दाल, आई मीन दाल चावल वो जो है वो सबको भिगो के हम लोग ने बहुत यूज़ कर लिया, अभी वो लोग को सूखा यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप चावल, चना दाल और उसी के साथ वो जो पीली वाली दाल आती है ना वो ले लिए, उन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे सारे, एक एक कप करके लिए हैं। और भूनने के बाद हमें उसे ठंडा होने के लिए छोड़ना है। जैसे वो ठंडा हो जाए उसको हमें एक पेस्ट बना लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से भून गए, थोड़ी सी हल्की हल्की सी में ऐसे दाल जल गई है, आप उसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना ताकि वो जले ना। ये सारी चीज़ों को मिक्सी जार के अंदर डालेंगे, उसे बंद करेंगे और मिक्सी जार को चालू बंद करके उसका पेस्ट बनाना है। आप मिक्सर मत जला देना, ठीक है? और आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली एक पाउडर जैसा पेस्ट बन गया, उसको छन्नी की मदद से आप छीन सकते हो। मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने उसको सीधा डाल दिया। अब इसके अंदर एक आलू को हम उसे कुछ इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे, आपके पास जितना आप लोग ने बनाया उसके हिसाब से थोड़ा आलू देख लेना। उसी के साथ उसके अंदर डालेंगे कटा हुआ प्याज, अनियन, अनियन, उसी के साथ ग्रीन चिली, थोड़ा सा कोरिएंडर, और उसी के साथ मसाले जाएंगे जिसके अंदर मैंने यूज करा है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला जो कंप्लीटली ऑप्शनल है, उसी के साथ डालेंगे सॉल्ट और कोरिएंडर सीड्स जो मैंने क्रश करे हुए हैं, मैंने वो उसे अच्छी तरह से मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया, वो ऐड करें। पहले ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा हम लोग ने आलू डाला है तो पहले वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू है ना वो ऑलरेडी पानी थोड़ा लूज करता है, उसकी वजह से ना आपको इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैंने हाथों में हल्का हल्का सा पानी लिया, उसको छिटक छिटक के डाला है, मैंने पानी इसके अंदर ज़्यादा नहीं यूज़ करा है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही पानी ऐड करना, नहीं तो बिना पानी के भी ये अच्छी तरह से बन जाएगा। मेरे से शायद वो जो मैंने पानी डाला है ना वो वीडियो जो कि क्लिप है यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हाथों में लिया है और उसे कुछ इस तरीके से हल्का हल्का करके डाला है, एक साथ में पानी नहीं डाला, नहीं तो मिक्सचर जो है वो पूरा रनी हो जाएगा, फिर आपके जो पकोड़े हैं वो बनेंगे नहीं। ट्राई करना कि आपके जो आपका जो पकोड़ा का मिक्सचर है उसे आप थोड़ा सा थिक बना सको, ताकि आपको अच्छी तरह से एक पकोड़ा का शेप दे सकते हो, जैसे कि दाल वड़े कैसे बनते हैं उसी तरह, बेसिकली ये वड़े नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके के शेप दे दिए और उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम लोग तल लेंगे। सबको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि चावल दाल वो अच्छी तरह से पके होंगे या नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा पहली बार था, मुझे बहुत पसंद आया और मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगा कि ये थोड़ा सा कच्चा है और या फिर कुछ हाथ सा है, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना दाल वड़े की बहुत सही बनती है, बहुत सही लगती भी है खाने में भी। अगर आपके पास हरी चटनी हो या फिर उसके अंदर आप कुछ अच्छा सा डिप प्रिफर करते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली टमाटो केचप तो सबके घर पर होता ही है, तो उसके साथ आप वो भी सर्व कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी टमाटर जो पकौड़े हैं वो अच्छी तरह से बड़े हैं, वो अच्छी तरह से कुक हो गए, उसको हम लोग साइड पे निकाल देंगे और देख सकते हो अब इतने अच्छे से बन के आए। और यहाँ पे मैंने हरी चटनी और उसी के साथ टमाटर का सॉस भी डाला है। आप उसका अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद हो तो आप फ्राई करी हुई उसके साथ ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट देती है। बस यहाँ पे रेसिपी बन के रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी? अभी रेसिपी पूरी देख ही ली है तो रेसिपी बता भी दो, रेसिपी कैसी थी, एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड